बच्चों आज हम आप लोगों को इतिहास कक्षा आठवीं में पाठ 1857 का स्वतंत्रता युद्ध के विषय में हम आप लोगों को जानकारी देंगे। जैसा कि इसके पहले हम लोग पढ़े यूरोप भारत और अंग्रेजी सत्ता के परिणाम में भी हम लोग पढ़े ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, पार्लियामेंट द्वारा बनाए गए कानून, अंग्रेजी सत्ता के भारत पर परिणाम यानी दोहरी शासन व्यवस्था, ये सब जानकारियां पिछले हमको मिली थी, हम आपको बताए भी थे। तो आगे हम आप लोगों को अब 1857 का स्वतंत्रता युद्ध की जानकारी देंगे। जैसा कि बच्चों आपको हम जानकारी देते हैं कि 1857 ईस्वी के पहले स्थानीय लोगों को अंग्रेजी शासन के दुष्प्रभावों को झेलना पड़ता था। अंग्रेजी शासन में भारतीयों को यह बोध उत्पन्न होने लगा कि कंपनी सरकार द्वारा शोषण कर रही है। इसके कारण जनता में असंतोष बढ़ने लगा। जब यह कंपनी जो सरकार उनका शोषण कर रही है ऐसा उनको जब जानकारी हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी के विषय में, तो उन्होंने 1770 ईस्वी में बंगाल प्रांत में अकाल पड़ गया। ऐसी स्थिति में जनता के प्रति अंग्रेजों का आचरण उदासीन और संवेदनशील होने का मतलब उदासीन का बच्चों कि वह अकाल के प्रति उनको थोड़ा भी अंग्रेज लोग थोड़ा भी इसके विषय में थोड़ा भी इसको उनके इन समस्याओं को देखना नहीं चाहते थे। इसलिए किसान और सामान्य जनता कंगाल हो गई, अर्थात वह जो है कंगाल हो गई बच्चों। तो उसमें हुआ क्या कि 1857 के पहले यानी उसके पूर्वकालीन युद्ध की जानकारी अब हम आपको देते हैं। और यह सब बच्चों 1857 के जो जानकारियां हैं उसमें 1857 से स्वतंत्र समर यानी 1857 ईस्वी का स्वतंत्रता युद्ध पुस्तक ने कालांतर में अंग्रेज कर्मकारियों को अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ने की प्रेरणा दी, जिसे हम आपको बताना चाहते हैं कि स्वतंत्र वीर सावरकर ने अपनी पुस्तक में इस युद्ध को लिखा है। उसका नाम है 1857 से स्वतंत्र समर। तो बच्चों 1857 ईस्वी के पूर्वकालिक जो संघर्ष है उसकी जानकारी हम देते हैं बच्चों कि जैसे बंगाल प्रदेश में 1763 से 1857 के कालखंड में पहले सन्यासियों ने और उसके बाद बच्चों फकीरों ने इसका नेतृत्व संभाला और किसानों ने अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष किए। बच्चों यहाँ फकीर और सन्यासी लोग को भी अपने नेतृत्व में उन्होंने किसानों के द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष शुरू कर दिया। जैसा कि बच्चों आप लोग जानते हैं कि महाराष्ट्र में उमाजी नाईक ने युवकों को संगठित करके संघर्ष किया, भील कोली और एक आप लोगों को स्क्रीन पर चित्र भी दिखाई दिया रहा है बच्चों उमाजी नाईक का। उन्होंने एक घोषणा पत्र जारी किया अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ने और अंग्रेजी सत्ता को न मानने का आह्वान किया। घोषणा पत्र में उन्होंने अपने धागपुड़े, सतारा, अहमदनगर, सोलापुर, नासिक, भोर आदि में उन्होंने इन भागों में अपना धाग जमाया अर्थात उसका निर्माण किया। और 1832 ईस्वी में कंपनी सरकार ने उमाजी नाईक को बंदी बनाया और उन्हें पुणे में फांसी दी गई। तो जैसा कि बच्चों आप जानते हैं कि
कोकड़ में कोण सामंतों ने भी संघर्ष किया, कोल्हापुर परिसर में गडकरियों ने विद्रोह किया, भील कुली और पिंडारियों ने कठोर संग्रह किए। तो इस तरह से बच्चों महाराष्ट्र प्रदेश में भी संघर्ष करने वाले वर्ग की जानकारी आपको मिली। अब हम चलते हैं उड़ीसा। उड़ीसा में हम देखते हैं बच्चों, तो उस समय उड़ीसा में जो है जो भारत के आदिवासी और वन जनजातियों ने भी अंग्रेजी सत्ता से चुनौती दी। इन जनजातियों की जीविका वन संपत्ति पर चलती थी। अंग्रेजों ने कानून द्वारा उनके अधिकारों पर काफी वज्रपात किया, यानी उनको काफी दुखी किया, जिसके परिणाम स्वरूप बच्चों उड़ीसा में गोंड वन जातियों ने भी विद्रोह किया। बिहार छोटा नागपुर परिसर में कोलाम, उड़ीसा के गोंड, बिहार में संथाले ने अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष शुरू कर दिया। जैसा कि बच्चों आप लोग जानते हैं कि 1857 ईस्वी के पूर्व देश के विभिन्न भागों में कुछ जमींदारों और रियासतदारों ने भी प्रमुख संघर्ष किया। जैसा कि बच्चों आपको यह जानना होगा कि मध्ययुगीन समय में उड़ीसा में पाइक प्रणाली अस्तित्व में थी। तो बच्चों पाइकों के द्वारा भी विद्रोह हुआ। मध्ययुगीन युग में उड़ीसा के राजाओं के पास तैनात सैनिकों को पाइक कहते थे। राजा इन सैनिकों को जीवन यापन के लिए खेती की भूमि देते थे। यह शर्त थी कि युद्ध के समय ये सैनिक राजाओं की ओर से लड़ेंगे। 1803 में अंग्रेजों ने इन पाइकों के वंश परंपरागत भूमि छीन ली। इसके कारण पाइक नाराज हो गए। नमक के बढ़ते कर के कारण भी उन्हें तीव्र असंतोष का निर्माण हुआ। बक्सी जगनबंधु विद्याधर के नेतृत्व में 1857 ईस्वी में पाइकों ने अंग्रेजों के विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह किया। तो यह बच्चों जैसा कि आपको हम बताते हैं, यह पाइकों के द्वारा किए गए विद्रोह की जानकारी हुई। अंग्रेजों ने पाइकों के वंश परंपरागत भूमि छीन ली, जिससे पाइक क्रोधित थे। इस तरह से बच्चों अब हम आगे चलते हैं। आपको बता रहे हैं बच्चों कि इस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में जो है काफी भेदभाव शुरू हो गया। इस भेदभाव के कारण जो है 1806 ईस्वी में बलौर में, तो 1824 ईस्वी में बराकपुर के विद्रोह ने उग्र स्वरूप धारण कर लिया। तो इस तरह से बच्चों 1806 में जो कंपनी सरकार की सेना जो है कार्यरत सैनिकों ने विद्रोह किया। फिर बराकपुर में 1824 ईस्वी में बराकपुर की छावनी में भारतीय सैनिकों ने विद्रोह किया। जैसा कि बच्चों हम जानते हैं कि दावानल 1857 ईस्वी के सत्ता युद्ध में धधक उठा और ब्रिटिश कंपनी की सत्ता के विरुद्ध अनेक स्थानों पर संघर्ष प्रारंभ हो गया। तो यह जानकारी बच्चों आपको दी गई। आगे हम चलते हैं बच्चों, तो आपको 1857 ईस्वी के युद्ध का कारण क्या था हम उसकी जानकारी देते हैं बच्चों। जैसा कि हम जानते हैं कि बच्चों अंग्रेजों के पूर्व के समय भारत में अनेक शासकों का शासन रहा। शासनों में परिवर्तन होते रहे, परंतु गांव का जीवन पहले की तरह चलता रहा। अंग्रेजों ने प्रचलित व्यवस्था बदलकर नई व्यवस्था निर्माण करने का प्रयास किया, जिसके कारण गांव के जीवन प्रणाली में होने वाले परिवर्तन और उनके स्वरूप को देखकर जनता के मन में अस्थिरता और असुरक्षा की भावना उत्पन्न हो गई। तो इसमें बच्चों इसका आर्थिक कारण क्या था वह भी आपको हम बताते हैं कि जो 1857 के युद्ध के कारण जो आर्थिक कारण क्या हुआ कि अंग्रेजों की नई राजस्व प्रणाली के कारण किसानों की आर्थिक स्थिति दयनीय हो गई।
राजस्व नगद राशि के रूप में और जबरदस्ती वसूल किए जाने के कारण कृषि व्यवस्था पूर्णतः चरमरा गई। अब बच्चों आपके मन में आता है कि राजस्व की बात, राजस्व क्या होता है? जैसा कि बच्चों गांव में हम जानते हैं कि हम खेत खेत का लगान देना पड़ता है, तो पहले जो कर था, लगान था, उसको क्या कहते हैं बच्चों? राजस्व। राजस्व जिसको इंग्लिश में रेवेन्यू कहते हैं, तो यह राजस्व विभाग का मतलब होता है खेत से जमीन जायदाद से संबंधित जो भी कर लिए जाते हैं उसको हम राजस्व कहते हैं। तो चूंकि बच्चों काफी किसानों को अकाल सहना पड़ता था, लेकिन जबरदस्ती वसूली की जाती थी, गांव के जीवन प्रणाली का स्वरूप बदल गया। परिणाम स्वरूप जनता के मन में अस्थिरता और असुरक्षा की भावना उत्पन्न होने लगी। उद्योग धंधे पर कर लगाए जाने लगे और वे ध्वस्त हो गए, यानी कर लगा करके वह उद्योग धंधे को भी वे लोग बंद करने लगे। इस तरह से बच्चों श्रमिक और कारीगर बेरोजगार हो गए। और हम आगे आपको बताते हैं बच्चों कि ऐसे ही इस प्रशासन के कारण, इस इनकी व्यवस्था के कारण जो है आपस में काफी श्रमिक जो बेरोजगार हो गए, जिससे अंग्रेजों के विरुद्ध असंतोष बढ़ता गया। अब बच्चों हम आपको बताते हैं इनके जो है सामाजिक कारण क्या हुए। भारतीय समाज की यह महसूस करने लगा कि अंग्रेजों की उनकी परंपराओं, रूढ़ियों और रीत रिवाज में हस्तक्षेप कर रहे थे। सती प्रथा पर रोक और विधवा विवाह की मान्यता के कानून सरकार द्वारा बनाए गए। अर्थात बच्चों जैसा जानते हैं आप लोग, सती प्रथा पर रोक लगा और विधवा विवाह का की मान्यता के कानून सरकार द्वारा बनाए गए। यद्यपि यह सामाजिक दृष्टि से उचित था, फिर भी भारतीय जनता के मन में यह विचार आने लगा कि अंग्रेज उनकी जीवन पद्धति में हस्तक्षेप कर रहे थे। जैसे कि बच्चों जानते हैं सती प्रथा, सती प्रथा का मतलब क्या होता है बच्चों? जैसे किसी कारणवश यदि युद्ध में किसी के पति मार दिए जाते हैं, लड़ते लड़ते मार दिए जाते हैं, तो वह औरत जल करके सती हो जाती थी, उनके चिता के साथ वह भी जल जाती थी। यह तो अन्याय था, जबकि अंग्रेज सरकार इसको रोक रही थी, लेकिन जनता के बीच में क्या था कि हमारा जो सामाजिक जो सिस्टम है उसमें अंग्रेज हस्तक्षेप कर रहे हैं, जबकि यह जनता के पक्ष की बात थी। दूसरा विधवा विवाह का मतलब होता है, जैसे अभी भी आप लोग सुनते होंगे जिसके पति एक्सपायर कर जाते हैं, गुजर जाते हैं, मर जाते हैं, तो होता है कि भाई इनका विवाह मत करो, ऐसे इनको रहने दो क्योंकि इनका पति नहीं है, इनका शादी नहीं होनी चाहिए। तो ऐसा पहले चलता था बच्चों, अब तो शादियां हो रही हैं, समस्याओं को देखते हुए, उनके परिस्थिति को देखते हुए लोग शादी कर रहे हैं। पहले ऐसा नहीं था, जिनके पति एक बार शादी हो जाने के बाद उनके पति किसी कारणवश मर गए तो उनकी शादी नहीं होती थी, लेकिन अंग्रेज सरकार ने यह नियम निकाला कि नहीं, उनकी पुनः शादी हो सकती है, अर्थात जिसको कहते हैं विधवा विवाह। विधवा होना पति का मर जाना, तो पति न रहना। तो इस तरह से बच्चों यह उनके पक्ष में था, लेकिन जनता क्या कर समझी कि यह हमारे सामाजिक जो नियम है उसमें हस्तक्षेप किया जा रहा है। तो ऐसे बच्चों सामाजिक एक कारण हुआ जिसमें भारतीय जनता के मन में यह विचार आने लगा कि अंग्रेज उनकी जीवन पद्धति में हस्तक्षेप कर रहे थे। आगे बच्चों आप लोगों को हम राजनीतिक कारण बताते हैं कि राजनीतिक कारण क्या थे। तो बच्चों 1848 के पहले हम देखते हैं कि 1757 ईस्वी में अंग्रेज ने कई भारतीय राज्य को हड़प लिए थे। कालांतर में डलहौजी ने अनेक रियासतों का विरोध विविध कारणों से विलय करवा दिया। तो इस तरह से बच्चों 1848 के पहले अंग्रेजों ने अनेक राज्य जीत लिए थे। 1848 से 1857 के बीच डलहौजी ने अनेक रियासतों का अपनी सत्ता में विलय कर लिया। प्रशासनहीनता का कारण बताकर अयोध्या के नवाब को गद्दी से हटा दिया गया। उत्तराधिकारी अधिकार को अमान्य करके झांसी, सतारा तथा भारत के अनेक रियासतों का अपनी सत्ता में विलय कर लिया गया। उत्तराधिकारी का मतलब बच्चों जैसे कि जो राजा थे उनका जो लड़का था, वह फिर वह उनके मरने के बाद या किसी कारणवश उनकी हत्या या हो जाती थी या किसी कारण जो है वो मार दिए जाते थे तो या मर जाते थे, तो उनके बाद उनके लड़के का को वह राज्य मिलता था। इसको क्या बोलते हैं? उत्तराधिकारी अधिकार। तो यह भी जो है धीरे धीरे बच्चों उसको खत्म कर दिया गया।
और बाद में डलहौजी की इस नीति के फलस्वरूप भारतीयों में अविश्वास और संशय का वातावरण बनने लगा। आगे हम बच्चों आपको अब हम बताते हैं कि भारतीय सैनिकों में असंतोष कैसे पैदा हुआ, भारतीय सैनिकों में यह असंतोष कैसे पैदा हुआ। तो बच्चों अंग्रेज अधिकारी भारतीय सैनिकों के साथ तुच्छता का व्यवहार करते थे, मतलब उन्हें तुच्छ समझते थे, अर्थात अपने से कम समझते थे। ऐसा अंग्रेज अधिकारी भारतीय सैनिकों के साथ करते थे, जिससे सेना में भारतीय सैनिकों को सूबेदार पद से के ऊपर वाला पद नहीं दिया जाता था। इस तरह से बच्चों अंग्रेज सैनिकों की तुलना में भारतीय सैनिकों को कम वेतन दिया जाता था। इतना ही नहीं बच्चों, प्रारंभ में भारतीय सैनिकों को मिलने वाला भत्ता धीरे धीरे कम होता गया। जो पहले उनको भत्ता दिया जाता था, सैनिकों को जो उनको मानधन दिया जाता था, पेमेंट वेतन दी जाती थी, वह वेतन धीरे धीरे कम किए गए। ऐसे अनेक कारणों के कारण बच्चों भारतीय सैनिकों में असंतोष बढ़ता गया। जैसा कि आप लोग को बताया गया कि सूबेदार पद के ऊपर का पद नहीं दिया जाता था, उन्हें वेतन जो है जो गोरे सैनिक हैं अर्थात जो अंग्रेज सैनिक हैं उनसे कम दिया जाता था। जो पहले उनके कुछ भत्ते मिलते थे, उनके पेमेंट मिलता था, पगार मिलती थी, उसे जो है पहले से कम कर दिया गया। तो इन कारणों से, इन अनेक कारणों से भारतीय सैनिकों में असंतोष बढ़ गया। तो बच्चों इस असंतोष के कारण जो तत्कालिक कारण क्या हैं यह मैं आपको बताता हूं बच्चों, कि 1856 में भारतीय सैनिकों को दूर कर मार करने वाली एनफील्ड बंदूकें दी गई थी। जैसा कि बच्चों आप जानते हैं कि अंग्रेजों ने 1856 ईस्वी में भारतीय सैनिकों को दूर तक मार करने वाली एनफील्ड बंदूकें दी थी। उनके उपयोग में आने वाले जो भारतीयों को दूर तक मार करने वाली एनफील्ड बंदूक दी गई थी बच्चों, उसमें जो कारतूस लगता था उस कारतूस का ढक्कन दांतों से खोलना पड़ता था, और वह जो कारतूस था उसके ऊपर जो जो आवरण लगा होता था जिसे वह ढक्कन को खोलना पड़ता था, उस आवरणों पर बच्चों गाय और सुअर की चर्बी लगी होती थी। जैसा कि बच्चों आप लोग जानते हो कि गाय जो है हिंदू के लिए और सुअर जो है इस्लाम धर्म के लिए, यह जो है लोगों को इसको लोग बचाते हैं। तो यह चूंकि यह हमारे दोनों धर्म के लोग वहां थे, इसलिए वह हमारे सभी भारतीयों के लिए यह काफी जो है कष्टदायक होता था, अर्थात वह मुंह से खोलना पड़ता था। जबकि बच्चों हिंदू लोग गाय के लिए उनके मांस को छूने के लिए या उनके मांस को नहीं छूते हैं, और हमारे इस्लाम धर्म के भाई लोग वह सुअर को नहीं छूते हैं, लेकिन फिर भी जानबूझ करके ऐसा अंग्रेज सरकार ने किया था, और जिससे हिंदू और मुस्लिम सैनिकों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई और सैनिकों में असंतोष का निर्माण हो गया। तो इस तरह से बच्चों हम देखते हैं तो यह जो है तत्कालिक कारण हो गया जिससे असंतोष और बढ़ गया। आगे हम बच्चों आपको चलते हैं तो आपको बताते हैं कि यह किस तरह से असंतोष किस तरह से धधक उठा, अर्थात जिसको हम कहते हैं कि विद्रोह का जो घटनाक्रम है वह किस तरह से आगे बढ़ा बच्चों। तो इसमें हम देखते हैं कि कठोरता से कारतूस का उपयोग कराने वाले अंग्रेज अधिकारी पर बाराकपुर छावनी में मंगल पांडे नामक, उसमें जो मंगल पांडे नाम के अधिकारी थे, उन्होंने काफी इसका विद्रोह किया, और मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को गोली चला दी। जैसा कि बच्चों आप जानते हैं कि यह चर्बी लगी कारतूस का उपयोग जब सैनिकों ने इसका विद्रोह करने लगा तो उस पर सैनिकों पर कठोर दंड दिया जाने लगा, अंग्रेज सरकार उस पर कठोर दंड देने लगी, जिससे बराकपुर की मंगल छावनी में बराकपुर के छावनी में जो मंगल पांडे नामक उस समय जो सैनिक थे उन्होंने अंग्रेज अधिकारी को इस अन्याय प्रवृत्ति के विरोध करके वह अंग्रेज अधिकारी पर गोली चला दी, और जिससे मंगल पांडे को बंदी बनाया गया और उन्हें
फांसी भी दे दी गई, जैसा कि आप स्क्रीन पर बच्चों देख रहे हैं मंगल पांडे को। और इस तरह से बच्चों आगे क्या हुआ, जब मंगल पांडे को फांसी दे दी गई तो यह समाचार सुनते ही पूरे मेरठ छावनी में भारतीय जो पलटन में काफी विद्रोह हो गया। उनके जो सैनिकों का जो पलटन नहीं सैनिकों का जो समूह होता है उसमें काफी विद्रोह हो गया, जिससे दिल्ली की ओर से कूच करने वाले भारतीय सैनिकों में ने 12 मई 1857 को बच्चों दिल्ली की ओर कूच करने वाले भारतीय सैनिकों ने 12 मई 1857 को दिल्ली को अपने अधिकार में ले लिया। इतना विद्रोह हो गया बच्चों कि मेरठ छावनी के जो भारतीय सैनिक थे वहां के पूरी पलटन विद्रोह कर उठी। और इस तरह से बच्चों सैनिकों ने दिल्ली की ओर कूच किया और रास्ते में हजारों लोग उनके साथ देने लगे और जुड़ते गए। और हुआ क्या कि 12 मई 1857 को सैनिकों ने दिल्ली को अपने अधिकार में कर लिया और मुगल शासक बहादुर शाह जफर को युद्ध का नेतृत्व प्रदान किया और भारत के सम्राट के रूप में उनके उनके नाम का घोषणा भी कर दी गई। इस तरह से बच्चों विद्रोह का यह घटनाक्रम है कि मुगल शासक बहादुर शाह जफर को उन्होंने भारत का सम्राट घोषित कर दिया। आगे बच्चों हम स्वतंत्रता युद्ध की व्याप्त की बात बताते हैं बच्चों कि युद्ध की व्याप्त क्या हुई। तो बच्चों स्वतंत्रता युद्ध की आग बिहार से राजपुताना तक फैल गई। दिल्ली के नियंत्रण हो जाने के बाद सैनिकों का बच्चों आत्मविश्वास बढ़ गया, जिससे भारत के बहुत सारे स्थानों पर सैनिकों को यह प्रेरणा मिली। इस विद्रोह के कारण उन्होंने तुरंत विद्रोह जैसे आग की तरह से उत्तर भारत में फैल गई और बिहार से राजपुताना तक अंग्रेज छावनियों में भारतीय सैनिकों ने विद्रोह का झंडा बुलंद कर दिया। इस तरह से लखनऊ, इलाहाबाद, कानपुर, बनारस, बरेली, झांसी में विद्रोह प्रारंभ हो गया। कालांतर में यह आग बच्चों यह जो विद्रोह की आग थी, ज्वाला थी, यह दक्षिण भारत में भी फैल गई। दक्षिण भारत यानी नागपुर, इसके बाद नागपुर, सतारा, कोल्हापुर, नरगुंद स्थान पर भी ये विद्रोह हो गए। और इस युद्ध में सतारा के छत्रपद के उत्तराधिकारी शाहजी प्रताप सिंह और प्रशासक रंगो बापूजी, कोल्हापुर के चीमा साहेब, नरगुंद के बाबा साहेब भावे, अहमदनगर जिले के संगमनेर के निकट के भागोजी नाइक आदि इसमें अग्रणी रहे, अर्थात अग्रसर थे। नासिक जिले के पेट, सुरगाड़ा की महारानी जैसे महिलाएं भी इसमें बच्चों काफी हिस्सा ली। इस तरह से बच्चों 1857 में कजार सिंह के नेतृत्व में बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं कि 1857 में खानदेश में कजार सिंह के नेतृत्व में भीलों ने विद्रोह किया, तो सतपुड़ा परिसर में शंकर शाह ने युद्ध का नेतृत्व किया और खानदेश में हुए विद्रोह में 400 भील महिलाएं भी सम्मिलित हो गई। युद्ध का नेतृत्व बच्चों, जैसा कि हम आपको बताते हैं कि युद्ध के नेतृत्व में क्या हुआ, अभी जैसे कि हमने आपको तो क्लियर बता दिया बच्चों कि सतारा हुआ, कोल्हापुर में चीमा साहेब, नरगुंद में बाबा साहेब भावे, संगमनेर में भागोजी नाइक, खानदेश में कजार सिंह, सतपुड़ा परिसर में शंकर शाह, दिल्ली में मुगल शासक बहादुर शाह तथा सेनापति वक्त खां, कानपुर में नाना साहेब पेशवा और तात्या टोपे, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, अयोध्या में बेगम हजरत महल, रोहिलखंड में मौलवी अहमद उल्ला और बिहार में कुंवर सिंह, ऐसे लोग युद्ध का नेतृत्व किए। तो इस तरह से बच्चों आगे है कि हम युद्ध का राष्ट्रीय स्वरूप क्या हुआ बच्चों, इसमें हम देखते हैं बच्चों कि युद्ध का आरंभ भारतीय सैनिकों के असंतोष के परिणाम स्वरूप हुआ। इसमें किसान, कारीगर, सामान्य जनता, जमींदार और राजा भी सम्मिलित हुए। सबका एक ही उद्देश्य था, अंग्रेजों के वर्चस्व से मुक्त होना। हिंदू मुस्लिम, विभिन्न जातियों के लोग,
अमीर गरीब आदि सभी लोगों के इस युद्ध में सम्मिलित होने के कारण इस युद्ध को व्यापक राष्ट्रीय स्वरूप प्राप्त हुआ। तो इस तरह से बच्चों, जैसा कि हम आपको बताते हैं कि यह समाचार जो है जंगल की आग की भांत चारों तरफ फैल गई, और जिसके कारण जो है आप काफी विद्रोह हुआ। विद्रोह के बाद हम आपको बताते हैं बच्चों, ये आपको जो देख रहे हैं नाना साहब पेशवा, रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह, इनके आप लोग नाम भी आपको हमने बताया। और इसमें बच्चों नासिक के जिले के पेट सुनगाना की महारानी जैसी महिलाएं भी सम्मिलित हुई थी बच्चों। अब इन विद्रोह का रोकथाम कैसे हुआ बच्चों? आरंभ में विद्रोह में से सम्मिले अंग्रेजों ने साम दाम दंड भेद इन सभी नीतियों का मार्ग अपनाकर विद्रोह का दमन किया। जैसा कि बच्चों हमने बताया कि रानी लक्ष्मीबाई, कुंवर सिंह, ये आपको हमें बता रहे हैं बच्चों, यह जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, यह स्क्रीन पर जो चित्र आपको दिखाई दे रहा बच्चों, इसमें आपको जो पीले रंग से अंग्रेजों के आधिपत्य के प्रदेश हैं, जो रेड कलर की बिंदी है, इन युद्ध के महत्वपूर्ण स्थान हैं, और जो डॉटेड लाइन दिखाया गया बच्चों वह भारत की वर्तमान वायुसीमा है। यानी पहले यह भारत बच्चों, यह जो डॉटेड लाइन दिखाई गई है यहाँ तक भारत था, आज का भारत जो यह व्हाइट कलर दिखाया जा रहा है यहाँ तक है, लेकिन पहले बच्चों भारत का बहुत बड़ा हिस्सा था जिसमें लाहौर, पेशवा, पेशावर, शिकारपुर, कराची, मुजफ्फर, दिल्ली नगर, दिल्ली, मेरठ, मथुरा, बरेली, यह सब जो है दीनापुर, जगदीशपुर, यह सब बच्चों जो है युद्ध के महत्वपूर्ण स्थान हैं। आगे बच्चों हम देखते हैं कि दक्षिण में बच्चों आपको औरंगाबाद, सतारा, कोल्हापुर, नरगुंद, इस तरह से यह जो है हमारे युद्ध के उनके जो स्थान हैं जिसको आपको बच्चों यह मानचित्र में आपको दिखाया गया। आगे हम बच्चों जैसा कि आपको हम बता रहे हैं कि यह जो विद्रोह का रोकथाम कैसे हुआ, तो विद्रोह के रोकथाम के लिए बच्चों रानी लक्ष्मीबाई, कुंवर सिंह और अहमद उल्ला ने अपने प्राणों का बलिदान दिया। बहादुर शाह को रंगून के कारावास में रखा गया। नाना साहब पेशवा और बेगम हजरत महल ने नेपाल में आश्रय लिए। इस तरह से बच्चों हम आपको बताना चाहते हैं कि आगे 10 महीने तक अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ने वाले तात्या टोपे विश्वासघात के कारण पकड़े गए और उन्हें फांसी दे दी गई। तो इस तरह से बच्चों यह जो विद्रोह में रोकथाम हुआ, जो वहां उसमें विद्रोह में हिस्सा ले रहे थे वे धीरे धीरे उस विद्रोह से थोड़ा सा उनके जो अंग्रेजी सत्ता का सैनिक संख्या थी और उसके प्रशासकीय शक्ति बहुत अधिक होने के कारण धीरे धीरे अंग्रेजों ने भी विद्रोह का दमन शुरू कर दिया। क्योंकि बच्चों अपने प्रारंभ में अपने भारतीय सैनिकों की सफलता तो मिली, लेकिन जो अंग्रेज सत्ता थी उनके पास सैनिक संख्या अधिक थी, प्रशासकीय शक्ति थी, इसलिए वे इस जो विद्रोह था उसका वे लोग दमन कर दिए और धीरे धीरे बच्चों अंग्रेज संभल गए। और अगले 6 महीने में ही हारे हुए जितने भी स्थान थे, जो अंग्रेज हार गए थे स्थान, सब धीरे धीरे वे जीत लिए। तो इस तरह से बच्चों आपको आगे हम बता रहे हैं कि किस तरह से आने वाले समय में फिर उन्हें स्वतंत्रता युद्ध का जो युद्ध के जो विफलता का जो कारण था वह हम आपको बता रहे हैं बच्चों कि उसमें संपूर्ण भारत में एक ही समय में युद्ध नहीं किया गया। अर्थात सबसे एक समस्या यह भी थी बच्चों कि संपूर्ण देश में एक साथ युद्ध नहीं किया गया। दूसरी बातें थी बच्चों कि राजपुताना, पंजाब, बंगाल का कुछ हिस्सा और पूर्वोत्तर भारत युद्ध से अछूते रहे, यानी वहां युद्ध नहीं हो सका, वहां नेतृत्व करने वाला कोई नहीं मिला। युद्ध में एक केंद्रीय नेतृत्व का अभाव था। कहने का मतलब बच्चों युद्ध में एक केंद्रीय नेतृत्व का मतलब होता है जैसे
एक ही व्यक्ति पूरे युद्ध का नेतृत्व करे ऐसा नहीं था, क्योंकि जैसे जैसे क्षेत्रों में युद्ध शुरू हुआ वैसे वैसे वहां के वहां नेतृत्व करने वाले मिले, इसलिए उसका एक बिंदु नहीं बन पाया। आगे हम बच्चों बताते हैं कि अनेक रियासतदार अंग्रेजों के प्रति निष्ठावान बने, अर्थात वहां अपने में भी फूट हुई बच्चों, अपने यहाँ के जो रियासतदार थे वे लोग भी अंग्रेजों का सपोर्ट करने लगे। भारतीयों के सैनिकी दावपेंच खेलना नहीं आया, अर्थात उनके साथ जो कूटनीत था वह जो है वे लोग नहीं कूटनीत भी नहीं कर पाए बच्चों। सैनिकों के पास पर्याप्त एवं आधुनिक शस्त्र अस्त्र नहीं थे बच्चों। युद्ध की विफलता का कारण यह भी था कि अनुभवी नेतृत्व और आर्थिक शक्ति का अभाव था बच्चों। विफलता का कारण संचार व्यवस्था अंग्रेजों के नियंत्रण में होने से के कारण उनकी सैनिकी गतिविधियां शीघ्रता से होती थी, अर्थात जिससे अंग्रेजों को सारे पहलुओं की जानकारी हो जाती थी। तो इस तरह से बच्चों युद्ध की विफलता का कारण था, और जैसा कि आप लोगों को हमने बताया कि एक कंदी नेतृत्व का भाव था, कुछ ऐसे भी रियासतदार थे जो अंग्रेजों के प्रति निष्ठावान थे, सैनिक दावपेंच खेलना नहीं जानते थे, हमारे सैनिकों के पास पर्याप्त और आधुनिक अस्त्र नहीं था, हमारे सैनिकों को अनुभवी नेतृत्व और आर्थिक शक्ति का अभाव था। तो इस तरह से बच्चों यह युद्ध की विफलता के कारण थे। आगे बच्चों स्वतंत्रता युद्ध के परिणाम क्या हुए, जैसा कि बच्चों हम आपको बताना चाहते हैं कि स्वतंत्रता युद्ध के परिणाम में सबसे पहले था कि इंग्लैंड की रानी को यह बोध हुआ कि भारतीयों में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के प्रति असंतोष है, जैसा कि वह बच्चों आपको बताना चाहते हैं कि उनके अंदर जो है यह मालूम हो गया बच्चों कि जो यह ईस्ट इंडिया कंपनी की जो शासन व्यवस्था है यह अच्छी नहीं है, इसलिए आपस में इन लोगों का विद्रोह है। उन्हें यह भी अनुभव हुआ कि भारत की अंग्रेजी सत्ता कंपनी के हाथों में सुरक्षित नहीं है। यहां तक कि बच्चों 1852 ईस्वी में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कानून बनाकर भारत में कंपनी की सत्ता को समाप्त करके यहाँ पार्लियामेंट की सत्ता स्थापित की। युद्ध का दूरगामी परिणाम यह था बच्चों कि भारत में प्रादेशिक निष्ठा के स्थान पर राष्ट्रीय भावना का उदय हुआ। और अगला परिणाम था कि भारतीय यह अनुभव करने लगे कि अंग्रेजी सत्ता का संगठित रूप से विरोध किया जाना चाहिए। और अगला परिणाम बताते हैं बच्चों कि इस युद्ध में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरणा मिली, अर्थात जिस तरह से सैनिक हमारे इकट्ठा होकर के जगह जगह विद्रोह किए, बाद में जीते हुए राज तो अंग्रेजों ने उन्हें वापस जीत लिया, लेकिन सैनिकों के अंदर यहाँ के जो भारतीय जनता के अंदर यह जरूर अनुभव हुआ कि हमें युद्ध के द्वारा हम इन अंग्रेजों को भगा सकते हैं, इनसे हम अपनी हक की लड़ाई लड़ सकते हैं, अर्थात इस युद्ध से भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरणा मिली। तो आगे हम बच्चों बताते हैं कि शासन व्यवस्था में क्या परिवर्तन किया गया। तो इसमें हम बच्चों शासन व्यवस्था में जो परिवर्तन है वह हम आपको बता रहे हैं कि शासन व्यवस्था के परिवर्तन की बात जहां तक आती है तो इसमें बच्चों ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कंपनी सरकार का गवर्नर जनरल पद रद्द करके उसके स्थान पर वायसराय पद का निर्माण किया। भारत का शासन चलाने के लिए इंग्लैंड के शासन में भारत मंत्री नामक पद का निर्माण किया गया। और यही नहीं बच्चों इस परिवर्तन के अनुसार लॉर्ड कनिंग भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय बना। तो इस तरह से बच्चों यह शासन व्यवस्था के परिवर्तन इस तरह से बच्चों शासन व्यवस्था में परिवर्तन हुआ, जैसा कि हमने बताया कि पार्लियामेंट में कंपनी सरकार का गवर्नर जनरल पद रद्द करके उसके स्थान पर वायसराय पद का निर्माण किया गया। हमने बताया कि भारत शासन चलाने के लिए इंग्लैंड के शासन में भारत मंत्री नामक पद का निर्माण किया गया। यहाँ तक कि परिवर्तन के अनुसार
शासन व्यवस्था के परिवर्तन के अनुसार लॉर्ड कनिंग भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय बना। तो इस तरह से आगे बच्चों हम आपको बताना चाहते हैं कि विक्टोरिया रानी का घोषणा पत्र क्या था। तो उसमें हम बच्चों यह आपको बता रहे हैं कि विक्टोरिया रानी, इंग्लैंड की रानी विक्टोरिया ने 1858 में घोषणा पत्र जारी करके उसके माध्यम से भारतीय जनता को कुछ आश्वासन दी। वह आश्वासन में सभी भारतीय हमारे प्रजाजन हैं, वंश, जाति, धर्म अथवा जन्म स्थान के आधार पर लोगों को भेदभाव नहीं किया जाएगा। जैसा कि बच्चों हम आप लोगों को बता रहे थे कि विक्टोरिया रानी का घोषणा पत्र में इंग्लैंड की रानी विक्टोरिया ने सभी भारतीय हमारे प्रजाजन हैं ऐसा अपने घोषणा पत्र में उन्होंने लिखा। वंश, जाति अथवा जन्म स्थान के आधार पर लोगों को भेदभाव नहीं किया जाएगा। उन्होंने अपने घोषणा पत्र में सरकारी नौकरियां गुणवत्ता के आधार पर दी जाएंगी ऐसा उन्होंने अपने घोषणा पत्र में आश्वासन दिया। भारतीय जनता को उन्होंने यह आश्वासन दिया कि धार्मिक मामले में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। रियासतदारों के साथ किए गए अनुबंधों का पालन किया जाएगा। अपने भारतीय जनता को आश्वासन देते हुए रानी विक्टोरिया ने घोषणा पत्र में किसी भी कारण से रियासतें समाप्त नहीं की जाएंगी ऐसा उन्होंने अपने बच्चों घोषणा पत्र में उन्होंने दिया कि यह हमारे जो भारतीय हमारे प्रजाजन हैं, वंश, जात, धर्म अथवा जन्म स्थान के आधार पर लोगों में भेदभाव नहीं किया जाएगा। सरकारी नौकरियां गुणवत्ता के आधार पर दी जाएंगी। धार्मिक मामलों में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। रियासतदारों के साथ किए गए अनुबंधों का पालन किया जाएगा। किसी भी कारण से रियासतें समाप्त नहीं की जाएंगी यह उनके घोषणा पत्र में था बच्चों। तो इस तरह से उन्होंने घोषणा पत्र किया। आगे बच्चों आपको हम बताते हैं कि भारतीय सेना की पुनर्रचना कैसे हुई। तो भारतीय सेना की इस उद्देश्य से पुनर्रचना की गई कि सभी सैनिक एक साथ मिलकर पुनः अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध न कर पाए। इस तरह से वे लोग भारतीय सेना का पुनर्रचना किया क्योंकि विद्रोह भारतीय सैनिकों में हुआ था। तो इस बात का ध्यान में रखते हुए अंग्रेज सरकार ने ऐसे भारतीय सेना की रचना की, पुनर्रचना की, जिससे सभी सैनिक एक साथ मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध न कर पाए। सेना में अंग्रेज सैनिकों की संख्या बढ़ाई गई। महत्वपूर्ण पदों पर अंग्रेज अधिकारियों की नियुक्ति की गई। तोपखाना पूर्णतः अंग्रेज अधिकारियों के नियंत्रण में रखा गया। सैनिकों की टुकड़ियों को जात के आधार पर विभाजित किया गया। अर्थात यह सब जो बच्चों हम देख रहे हैं तो जितने भी उन्होंने अपने पुनर्रचना में परिवर्तन किया इससे वह अपने को हमेशा अपने पक्ष में ही, अंग्रेज सैनिक अपने सारे काम अपने पक्ष में किए ताकि विद्रोह न हो। अर्थात ये भारतीय सैनिक आपस में एक होकर के विद्रोह न कर सके। अर्थात भारतीय सैनिक इकट्ठा आकर के हमारे अंग्रेजी सत्ता के विरुद्ध विद्रोह न कर सके। इस तरह से उन्होंने भारतीय सेना में पुनर्रचना की। इसके बाद बच्चों है नीतिगत परिवर्तन। जैसा कि हम जानते हैं बच्चों कि नीतिगत परिवर्तन में हम देखते हैं तो वहां यह सावधानी रखी जाने लगी कि भारतीय जनता सामाजिक दृष्टि से एक न होने पाए, सामाजिक और आर्थिक मामले में हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए। ऐसी नीति अपनाई जाने लगी कि भारतीयों में जात, धर्म, वंश और प्रदेश के नाम पर हमेशा विवाद संघर्ष होता रहे। अर्थात बच्चों यह उनकी एक नीति थी
कि आपस में उनको लड़ा कर रखो, यानी आपस में फूट रहेगी, जब आपस में लोग फूट रहेंगे उनके में एकता नहीं रहेगी तो वह विद्रोह नहीं कर पाएंगे। इसलिए उन्होंने जाति धर्म वंश और प्रदेश के नाम पर हमेशा विवाद संघर्ष कराते रहे। फूट डालो और राज करो की नीति अपनाकर अंग्रेजों ने भारत में अपनी सत्ता दृढ़ करने का बल दिया। इस तरह से बच्चों उन्होंने 1870 देखा जाए तो एक दूसरे के मन में भारतीय एक दूसरे के प्रति भारतीयों के मन में कलुषित होते रहेंगे, अर्थात वह आपस में मनमुटाव बना रहेगा, ऐसी नीतियां चलाई जाने लगी। यह जो है यह कूटनीति एक तरह से यह अंग्रेजी सरकार की कूटनीति थी। इस तरह से अंग्रेजों ने भारतीयों के सामाजिक धार्मिक विषयों में हस्तक्षेप न करने की नीति अपनाई। साथ ही भारतीय समाज सामाजिक रूप से इकट्ठा नहीं होगा, इसकी सावधानी प्रारंभ किया। तो ऐसे बच्चों वह फूट डालो राज करो के सूत्र पर अंग्रेजी शासन का शुरुआत किया। तो बच्चों 1857 में के स्वतंत्रता युद्ध का काल भारतीयों को लगने लगा कि अंग्रेजी सत्ता को संगठित रूप से विरोध करना चाहिए, और 1857 ईस्वी का जो स्वतंत्रता युद्ध भारतीय आंदोलन के रूप में काफी प्रेरणा स्रोत सिद्ध हुआ। इस तरह से बच्चों यह पाठ आपकी जानकारी आपको हमने दी। इसमें आपके जानकारी में बच्चों जैसा कि हमने बताया, एक बार पुनः हम दोहरा देते हैं बच्चों, कुछ घटनाएं हैं जिनको हम आपको बता देते हैं। जैसे बच्चों 1803 में अंग्रेजों ने उड़ीसा जीत लिया, 1806 ईस्वी में बिल्लौर में ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय सैनिकों ने विद्रोह किया, 1817 ईस्वी में उड़ीसा के पाइकों ने अंग्रेजों के विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह किया, 1824 ईस्वी में बराकपुर में ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय सैनिकों ने विद्रोह किया, 1832 ईस्वी में उमाजी नाइक को बंदी बनाकर उन्हें पुणे में फांसी दी गई, 29 मार्च 1857 ईस्वी बराकपुर में मंगल पांडे ने अंग्रेज अधिकारी पर गोली चलाई, 12 मई 1857 ईस्वी मेरठ छावनी के भारतीय सैनिकों ने दिल्ली को अपने अधिकार में करके मुगल शासक बहादुर शाह जफर को युद्ध का नेतृत्व सौंपा, 1857 ईस्वी में खानदेश में कजार सिंह के नेतृत्व में भीलों का संघर्ष हुआ, 1858 ईस्वी में स्वतंत्रता युद्ध दबा दिया गया, रानी विक्टोरिया ने भारतीयों के लिए घोषणा पत्र जारी किया, और 1858 ईस्वी में भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हुआ और भारत की सत्ता ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाथ में आ गई। जैसा कि बच्चों आप लोगों को बताया गया था कि ब्रिटिश पार्लियामेंट की स्थापना की गई थी, तो इस तरह से बच्चों आप लोगों को शासन भारतीय शासन व्यवस्था के परिवर्तन में जानकारी दी गई थी कि अंग्रेज जो शासन व्यवस्था में क्या परिवर्तन किए, वह ब्रिटिश पार्लियामेंट की कंपनी सरकार का गवर्नर जनरल पद को रद्द करके उसके स्थान पर वायसराय पद का निर्माण किया था, और भारत का शासन चलाने के लिए इंग्लैंड के शासन में भारत मंत्री नामक पद का निर्माण किया। यही नहीं बच्चों, इस परिवर्तन के अनुसार लॉर्ड कनिंग भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, अर्थात वहां जो गवर्नर जनरल पद था वह समाप्त करके बच्चों उस स्थान पर क्या रखा गया, प्रथम वायसराय, यानी वह गवर्नर जनरल के पद पर लॉर्ड कनिंग जो है गवर्नर जनरल पद पर थे, चूंकि वह पद रद्द कर दिया गया उसके स्थान पर वायसराय पद रखा गया, तो वहां से वह प्रथम वायसराय के रूप में काम करने लगे। तो इस तरह से बच्चों आप लोगों को हम कुछ इस पाठ से संबंधित आपको कुछ महत्वपूर्ण सन और उनकी घटनाओं की जानकारी दिए। बाकी आप लोग बच्चे आगे हम देखते हैं, आप लोग कोई स्वाध्याय है बच्चों, स्वाध्याय के संबंधित आपको जो भी जान है
आपको पाठ को बताया गया बच्चों, इस स्वाध्याय को करना है, और साथ ही साथ बच्चों आपको देख रहे हैं खाली जगह भरने का है, प्रश्न संबंधित है, फिर कारण लिखना है, और आगे हम बच्चे चलते हैं तो पांच चार प्रश्न कारण में है, आगे कुछ प्रश्न ऊपर भी दिए गए हैं, फिर उनके संक्षिप्त उत्तर हैं और उपक्रम भी है। तो इस तरह से उपक्रम में बच्चों 1857 का स्वतंत्र समर स्वतंत्र वीर सावरकर, जैसा कि हमने चर्चा किया था बच्चों कि 1857 का स्वतंत्र समर में स्वतंत्र वीर सावरकर ने अपना जो जानकारी इस युद्ध के विषय में दिया है, उस पुस्तक को आप नेट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं। और अभी आप लोगों को भारत का मानचित्र का ढांचा जो 1857 के स्वतंत्रता युद्ध के स्थान को दर्शाया गया था उसको देखना है, उसको आप लोग बना डालिए। इस तरह से बच्चों यह जो सब्सक्राइब करिए, यदि आपको पसंद आता है, पसंद जरूर ही आया होगा क्योंकि सारी चीजें आपको बता दी गई, और इससे आप लाइक करिए, शेयर करिए। इस तरह से यह पाठ बच्चों समाप्त होता है।